बहुत स्वागत करते हैं दोस्तों आपका नेक्स्ट वर्जिस यूट्यूब चैनल में। बहुत से क्वेश्चन है दोस्तों, प्लीज़ ध्यान से सुनना, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज देना है। अभी मैं एक वीडियो डाला था दोस्तों, हैवेल्स कंपनी का डाला था और रॉयल एनफील्ड का, जिसमें आपको कमेंट्स ये देखने को मिले हमें कि आप लोग जो बहुत से भाई ऐसे हैं वो कमेंट कर रहे थे कि ये वीडियो सही नहीं है, कैंपस फेक है। तो दोस्तों बता दूँ आपको, जो भी भाई हमारे साथ जुड़े हो, थोड़ा सा अगर भरोसा रखते हो तो नेक्स्ट बार यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जेन्यून जानकारी ही देते हैं। बाकी आपको मालूम हुआ कि कोई भी जानकारी 99% तक ही सही हो सकती है, 1% उसमें गलत हो भी सकता है। तो आप लोग हो सकते हो कैंपस के बाद में अगर डिले हो जाए, बाद में वो कराने का डेट बढ़ा सकता है, ऐसा नहीं है कि वो कैंपस उसी दिन होना। लेकिन इस समय जो वैकेंसी निकल रही है, तो बता दूं कि कंपनियों में भी अर्जेंट रिक्वायरमेंट चल रही है, तो आप लोग बहकावे में किसी के नहीं आना है। जो जानकारी देता हूँ तो जेन्यून जानकारी रहती है, सेपरेट रहती है, ऐसा नहीं है कि आपको इधर उधर से कोई भी जानकारी मिस रहता है। तो मैं आपका ऐसा ये मत समझना कि मैं कोई बहुत बड़ा एचआर या कुछ भी हूँ, आप लोगों का छोटा भाई समझ के जो भी जानकारी है उसको सही ढंग से देखो, पूरी जानकारी एक्सेप्ट करो, इसके बाद अपना कमेंट करो। दोस्तों मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, आप लोग ये करना बंद कर दो कि ये फेंकस कैंपस जो है तो फेक है। मैं इससे बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेशन होता है, मोटिवेशन के तौर पर आपको लाइक मांगता हूँ, लेकिन आप लोग ये करते हो दोस्तों तो आपसे ये उम्मीद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बताए थे जो NAPS, आपको मालूम हुआ कि नेशनल अप्रेंटिसशिप जो प्रमोशन स्कीम है NAPS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, ये बहुत ही बड़ी संस्था है दोस्तों। यहाँ पर जो जितनी भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब हो या जो मिलती है स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम हो, तो यहाँ से आपको NAPS के थ्रू वैकेंसी देखने को मिलती है और अप्रेंटिस वगैरह सब कुछ यहाँ पर NAPS के थ्रू आपको मिलता है। यहाँ पर आपको बता दूं कि नोएडा है, मानेसर, अलग अलग लोकेशन में आपको जॉब वैकेंसी मिल जाएगी, प्लस क्वालिफिकेशन अलग अलग क्वालिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पर वैकेंसी आउट हो चुकी है। यानी अगर आपने हो सकता है 10वीं पास के, बहुत से भाई ऐसे हैं जिनको अर्जेंट जॉब की ज़रूरत रहती है, और भले ही आप सरकारी या गवर्नमेंट जॉब क्यों ना करो, लेकिन अभी आपको स्टार्टिंग, क्योंकि मान लीजिए कैंडिडेट्स 1000 कैंडिडेट्स हैं, उनको जॉब चाहिए सरकारी या गवर्नमेंट कोई भी, तो ऐसा तो नहीं है कि उनके पास जो ज़रूरत है उनको उतने पैसे उनके पास है तैयारी करने के लिए कुछ, तो आपको पार्ट टाइम जॉब तो करना ही पड़ता है। और बहुत से भाई तो ऐसे हैं जो प्राइवेट जॉब ही करना चाहते हैं। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी आ चुकी है, अलग अलग लोकेशन के लिए अलग अलग जॉब रहने वाले, अलग अलग क्वालिफिकेशन और कंपनी भी अलग अलग रहने वाली है। और कैंडिडेट के बात के तो 1500 वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी होती है दोस्तों, आप लोग को उम्मीद नहीं करोगे 1500 कैंडिडेट्स की भर्ती यहाँ पर होने वाली है। तो अगर 10वीं भी पास हो, 12वीं यानी 10वीं से लेकर कितना भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन किए हो, डी फार्मा, बी फार्मा, यहाँ पर BSc तक के लिए जो वैकेंसी तो आउट हो चुकी है दोस्तों। ITI किसी भी ट्रेड से, अलग अलग ट्रेड के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। तो बता दूं आपको कि कहीं भी ऑल इंडिया लेवल में वैकेंसी है, आप कहीं के भी हो, पूरे भारत से आप अप्लाई कर सकते हो, किसी भी शहर से हो, किसी भी स्टेट से हो, तो इसमें आप बेधड़क अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो आपको फुल ट्यूटोरियल के माध्यम से बताना चाहता हूं। और दोस्तों ये उम्मीद करते हैं आपसे कि लाइक जरूर कर देना, आपके एक तरह से बहुत ही मोटिवेशन मिलता है ताकि आगे भी ऐसी वीडियो आपको जानकारी मिलती रहे। और बहुत से भाई जो कमेंट्स करते हैं, तो उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप इस तरह कमेंट बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपको इधर उधर की जानकारी देना मुझे खुद ये, मैं अपना नुकसान क्यों करूँगा, अपना टाइम बर्बाद करके आप लोगों के हित में जो भी काम करो तो ऐसा क्यों करूंगा, मैं किसी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता। तो आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट अगर मिलेगा तो आप बहुत कुछ आगे आपको बताने वाले हैं दोस्तों। तो क्योंकि अभी मैंने हर वीडियो में मैंने बता रहा हूँ, इस समय 2-3 जो अर्जेंट जॉब निकाल रहा, जो वैकेंसी निकल उसकी जानकारी दे रहे हूँ, मैं थोड़ा बाहर आया हूँ फिर भी आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह अगर आप लोग करोगे कि यहाँ पर ऐसा फेक है ये है, तो आपको नहीं दोस्तों नहीं अच्छा लगता है, तो प्लीज़ ऐसा मत करना। तो आइए हम इसका फुल ट्यूटोरियल आपको बता देते हैं, ताकि इसमें जितने भी डाउट हो आपको सब कुछ क्लियर हो सके दोस्तों। कि आ चुका हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, तो आइए इसके में जो भी डिटेल्स है आपको सब कुछ समझ लेते हैं, ताकि कैसे अप्लाई करना है, को भी कौन अप्लाई कर सकता है, पूरी डिटेल्स इसमें बताई गई है। तो आप लोग पहले तो इसको समझ लें, हम डिफरेंट कंपनी रहने वाली, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, कंपनी एक नहीं है, कंपनी क्योंकि 1500 वैकेंसी आउट हुई हैं तो कंपनी भी अलग अलग है। और जैसा कि बताया कि क्वालिफिकेशन अलग है, और जो आपको कंपनी का एड्रेस है, कंपनी की लोकेशन है, तो अलग अलग कंपनी की लोकेशन भी है। तो 1500 कैंडिडेट्स यहाँ पर भर्ती किए जाएंगे एज ए NAPS के थ्रू। तो यहाँ पर बता दूं कि क्वालिफिकेशन जो बता देते हैं आपको, बताते चले पूरी ड्रेस में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन फिर भी आपको बताना जरूरी है, क्योंकि बहुत से भाई क्या है कि स्किप करके वीडियो देखते हैं। तो अगर आपने 10वीं पास किया, 12वीं हो या ITI, BSc, डी फार्मा और डिप्लोमा,
ये कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिक और फिटर टर्नर, ये सब पोस्ट रहने वाला है। यानी अगर आपने डिप्लोमा, मान लीजिए डिप्लोमा किया हो, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो, मैकेनिकल से हो, और अगर आईटीआई किया हो तो भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल से हो, और फिटर और टर्नर या मैकेनिक से हो, ये यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और टेंथ और ट्वेल्थ की तो बात ही मत करो, क्योंकि टेंथ और ट्वेल्थ में यहाँ पर वोकेशनल कोर्स होते हैं, यहाँ पर नहीं होता। तो टेंथ ट्वेल्थ भी अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही अच्छी रिक्वायरमेंट है। बता देते हैं जॉब लोकेशन है, पर जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जॉब लोकेशन अलग अलग रहेगा। नोएडा है, मानेसर है, भिवाड़ी है, बड्डी है, अलग अलग लोकेशन देख सकते हो। भिवाड़ी में आपको बता दूँ कि बहुत सी कंपनी है, चाहे वो श्रीराम पिस्टन कंपनी हो, मदरसन सिस्टम हो, मदरसन स्विमिंग सिस्टम, के ई बायर जो है, बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनी है भिवाड़ी में। प्लस ये जोधपुर आपको राजस्थान में पड़ेगा, और हिमाचल प्रदेश में बहुत सी दवा कंपनियाँ हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर यहाँ पर स्थित हैं। तो इसके अप्लाई कैसे करना होगा, पहले इसको समझ लेते हैं कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट सेंड यू रिज्यूम ऑन ईमेल, तो ईमेल आईडी आपको स्पष्ट दिख रही होगी, इसी में आपको करना होगा अप्लाई। और इसमें डरना बिल्कुल नहीं कि कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, ये वो नहीं है, तो हमें अप्लाई करने कि हमारा होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं डरना है। जीरो लेवल से बता रहा हूँ, जो एक पिछड़ा कैंडिडेट कुछ भी नहीं जानते हो तो भी आपको समझ में आ जाएगा। मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको वो जानकारी सब कुछ दे सकूँ। तो ये जो आपको nilesh@prennagargroup.org दिख रहा है, ये मेल आईडी, पहले तो इसको आपको नोट कर लेना चाहिए। ये वीडियो अगर आप देख रहे हो, कॉपी किताब अभी नहीं है कहीं पर भी देख रहे हो, तो इसको जाके पहले तो अच्छे से नोट कर लेना। इसके बाद आपके मेल बॉक्स तो होगा ही, मोबाइल में यूज करते होगे तो मेल बॉक्स होगा, और मेल में जाके आपको डायरेक्ट वहाँ पर साइड में लिखा रहता है प्लस के चिन्ह, मैं आपको बता भी दूंगा अगर आप लोग कमेंट्स करोगे, क्योंकि बहुत से भाई, मैं ये सोचता हूँ कि बहुत से भाई को मालूम होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसकी बता दूँ। जैसा मैंने बताया कि बाहर है तो अभी ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है दोस्तों। तो मेल आईडी आपको करना होगा, ये जो मेल आईडी आपको दिख रहा होगी, ये मेल आईडी में आपको सीधे मेल कर देना है। और मेल क्या करना, मेल करना है तो मेल में वो चीज़ करना है, रिज्यूम। रिज्यूम मतलब बायोडाटा, और बायोडाटा मतलब उसका आपका नाम, पिताजी का नाम, पूरा फैमिली बैकग्राउंड, आप क्या पढ़ाई का क्या क्या किए हो अभी तक, और क्या परसेंटेज रहा है, कहां से किए हो, और आपका मोबाइल नंबर है क्या है, ईमेल आईडी क्या है आपका, ताकि आपको कांटेक्ट किया जा सके वहां पर कंपनी में। क्योंकि बता दूं कि NAPS जो है तो बहुत बड़ी संस्था है, तो ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया जाता है, क्योंकि कोई भी संस्था का आप किसका नंबर यहाँ पर दे, HR का तो डायरेक्ट नंबर मिल नहीं सकता। तो आप लोगों को थोड़ा कोशिश करना होता है, जानकारी इसी तरह मिलती है आपको, क्योंकि डिजिटलाइजेशन का ज़माना हो चुका है, तो जानकारी आपको मेल आईडी के माध्यम से आपका रिज्यूम बायोडाटा भेजना होगा। अगर जिस भाई के पास अभी बायोडाटा नहीं बना, सबसे पहले तो ये काम करें, अभी यहाँ पर डेट वगैरह नहीं बताया कि लास्ट डेट क्या है, लेकिन कोशिश करना जितना जल्दी आपको इसमें अप्लाई कर देना। तो अभी जिसका नहीं बना है, वो तो जाके कहीं भी जो कंप्यूटर का दुकान है या साइबर कैफे, वहाँ तो जाके पहले आपका रिज्यूम जो है तो बनवा लो। वहाँ 20 से 25 रुपये या 30 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, मैक्सिमम चार्ज है ये। तो इसमें आपको क्या रहेगा, पूरे डिटेल्स में बनवा लेना कि ऐसा ऐसा है, ज़रूरत है, ये वो बता के पूरा आपका आईटीआई जो भी ट्रेड है वो सब मेंशन होना चाहिए उसमें, परसेंटेज मेंशन होना चाहिए, कॉलेज का नाम मेंशन होना चाहिए, प्लस ईयर, पासिंग ईयर होना चाहिए, और बैक अगर लगा है तो वो भी सब कुछ होना चाहिए। उसमें कोई भी जानकारी अगर छिपाते हो तो सिलेक्शन से रुकने का वहाँ पर चांस रहता है। तो जो भी जानकारी है, ट्रू जानकारी देना है दोस्तों। अगर नेक्स्ट वायरस चैनल के माध्यम से जुड़े हो तो मैं आपको पूरा बताता हूँ, कॉन्टैक्ट पर्सन जो नीलेश कुमार सर हैं, ये आपको कॉन्टैक्ट पर्सन रहेगा। तो यही आपको ईमेल आईडी हमने ऑलरेडी बता दिया है, तो क्योंकि यहाँ पर अलग अलग लोकेशन है, गोवा भी है, तो कोशिश ये करना बहुत ही जल्दी अप्लाई करने की, क्योंकि कैंडिडेट्स यहाँ पर 1500 हायरिंग किए जाएंगे, तो हो सकता है इसमें बहुत ही जल्दी। और ये जो प्रोसेस होगा, तो आप जब मेल में वहाँ पर रिज्यूम आपका भेजोगे, और एक बात तो पहले ये समझ लो कि बहुत से भाई हमारे कमेंट करते हैं कि हमने बहुत सारी मेल आईडी भेज दिया लेकिन कुछ भी नहीं आया, तो आप लोगों को मेल आईडी भेजते ही होगी ऐसी, या रिज्यूम ही ऐसा रहता होगा कि वहाँ पर सिलेक्शन ना हो जाए। रिज्यूम का मैं फॉर्मेट अभी बाहर आया इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ दोस्तों, मैं इसको बहुत जल्द बताने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है, तो मैं इसको कोशिश करूँगी क्लारीफाई जरूर कर दे जो कैंडिडेट जुड़े हैं हमारे साथ। तो अभी रिज्यूम कोशिश करना साइबर कैफे या कंप्यूटर दुकान में जाके पूरा डिटेल्स में बनवा लेना, इसके बाद मेल आईडी में भेजना है, और कॉन्टैक्ट नंबर उसमें पूरा आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कॉन्टैक्ट नंबर आधा अधूरा हो, बाद में यहाँ पर दिक्कत आपको हो सकती है, तो कॉन्टैक्ट नंबर सही देना है, क्योंकि ये गलतियाँ मैं बता रहा हूँ इसलिए समझ लो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जो सुन रहे हो तो ये मैं आपको बहुत ही अच्छे से मालूम है, हमें ज़्यादा नहीं मालूम है। मैं ये मानता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से मालूम है, लेकिन गलती ये आप ये नहीं कह सकते कि हमें सब मालूम है तो हमसे गलती नहीं होती, क्योंकि गलती चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, उससे भी छोटी से छोटी गलती कभी कभार हो जाती है। तो
अगर आप लोग कोई आदमी सामने वाला बता रहा है कि ये गलती हो सकती है तो उसके एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। और अगर एक एजुकेटेड पर्सन की बात करोगे तो वो कहीं ना कहीं जो सीखने को अगर उसको मिलता है, चाहे उससे छोटा सीखा है, उससे कम पढ़ा लिखा सीखा है, या कोई भी सीखा है, तो किसी भी जाति का सीखा है, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बहुत से दोहे कविता भी हैं, तो वो उसको एक्सेप्ट करना ही एजुकेटेड पर्सन का वो जो है तो पहले कर्तव्य रहता है। तो यही है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जितने भी भाई बहन हैं, एज लिमिट भी यहाँ पर नहीं बताई गई है, तो जितने भी एज हो, अगर 18 पूरा कर लिए हो तो इसमें अप्लाई कर देना। आधार कार्ड वगैरह अगर नहीं बनाया तो आधार कार्ड सुधरवा लेना, ताकि वहाँ पर वेरिफिकेशन में दिक्कत ना हो। अगर मान लीजिए ज़्यादा टाइम लग रहा है तो अप्लाई तो कर ही देना है, इसके बाद जो है कि प्रोसेस होगी। तो आपको जो भी दिक्कत आएगी तो कमेंट्स के माध्यम से बता देना। और कोई भी भाई जो ज्वाइन करता है तो बाद में थोड़ा ये भी करना कि कमेंट्स के माध्यम से ये बताना कि हमें जॉब मिल गई, ताकि हम भी कैंडिडेट को शेयर कर सकें और आपका इंटरव्यू भी करवा सकें। तो कोशिश ये करना कि अगर सिलेक्शन हो जाता है किसी भी कंपनी में तो आपका नंबर प्लस कमेंट बॉक्स में अपना थोड़ा कर देना, तो आप लोगों का इंटरव्यू भी करवा देंगे, ताकि और भी जो भी भाई हमसे जुड़े हैं तो उनको कुछ मोटिवेशन मिल सके और वो भी तैयारी कर सकें। तो फिर मैंने आपको सब कुछ इसमें बता दिया ऑलरेडी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में आपका शेयर कर देना अगर मन कहेगा तो, अगर नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। मैं आप लोगों पर ही भरोसा रखता हूँ, जो भी भाई हैं, क्योंकि आप हो मेरे लिए सब कुछ हो, तो इसलिए दोस्तों। और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।